नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। सावधान रहें, देश में कोरोना के नए रूप ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में ओमिक्रॉन के कई केस सामने आ चुके हैं। इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का एक और मामला सामने आया है। एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती धारावी में ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस सामने आया है। जिस शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वो तंजानिया से लौटा था और उसे सेवन हिल्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। धारावी में ओमिक्रॉन की पुष्टि होना टेंशन की खबर है, क्योंकि यहाँ वायरस तेजी से फैलने की आशंका है। एक और जहाँ धारावी में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है, वहीं भारत में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 25 मामलों की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान में 9, गुजरात में 3, महाराष्ट्र में 10, कर्नाटक में 2, दिल्ली में 1 व्यक्ति में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि अधिकतर मरीजों में हल्के लक्षण मिले हैं, लेकिन ब्रिटेन में गुरुवार को संक्रमण के और 249 नए मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन में कोविड-19 के ओमिक्रॉन स्वरूप के मामले एक दिन में करीब 2 गुने हो गए हैं। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 817 हो गई है। ब्रिटेन में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए सजग रहना बेहतर होगा और धीरे धीरे भारत में केस में भी इजाफा हो रहा है। तो वन इंडिया भी आपसे यही अपील करता है कि सावधान रहें, बाहर निकले तो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।